सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि स्ट्रीट फूड पर व्लॉग बनाओ, तो मैं आ चुका हूँ पुणे में। यहाँ पर पेट्रोल पंप पे आया हूँ, तो अभी मैंने पेट्रोल डलवा लिया है। अभी मैं जाऊँगा पुणे में, पूरा पुणे एक्सप्लोर करूँगा, जहाँ पर जो भी फेमस मिलता है सब कुछ वो आपको दिखाऊँगा। और आप लोग जब भी पुणे में आओ तो प्लीज़ वो सब दुकान को विज़िट करना, क्योंकि वहाँ पर मैं खुद गया हूँ खाने के लिए, तो मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि मेरा ट्यूशन पुणे में ही है। तो कुछ नहीं, आप लोग अभी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और बैकग्राउंड ये नॉइस को इग्नोर करो, क्योंकि मैं अभी हाईवे पर हूँ यहाँ पर, तो इसको आप लोग इग्नोर कर दो। तो मिलते हैं आगे। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। अभी मैंने गाड़ी उधर रख ली है अभी मैं आगे जा रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर गांव में है ना, सबको ब्लॉगिंग के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो वैसे तो मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे ब्लॉगिंग के बारे में जाना और फिर अभी कर रहा हूँ। तो होप आपको अच्छा लगता होगा। तो अभी सब लोग मुझे घूर रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ही निकल चुका हूँ अपना गिम्बल उठा के, मतलब मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। तो मेरे को सब लोग घूर रहे कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो अभी देखते हैं आगे, और आपको दिखाता हूँ कि आगे मैं कहाँ कहाँ पर जाता हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, रुको आप लोगों को मैं लोगों के रिएक्शन दिखाता हूँ। तो मैं बैक कैमरा चालू करता हूँ, रुको। सो ये गली बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है, देखो। सो ये सब है यहाँ पर कपड़ों की शॉप, देखो आप लोग, यहाँ से वहाँ तक की है, और इधर भी बहुत सारी है। सो यहाँ पर से अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो ये गली आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नॉनवेज मिलता है। तो ये देखो, यहाँ पर युग शक्ति करके एक दुकान है, वहाँ पर से वो पहली वाली गली है। तो आप लोग नॉनवेज में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पर जाओ, लेकिन मैं तो नहीं खाता। तो मैं अभी जा रहा हूँ कच्ची दाबेली खाने के लिए। दाबेली एक हमारे यहाँ पर, दाबेली को अभी हिंदी में क्या बोलते हैं वो मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे गुजरात में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर कच्ची दाबेली। तो अभी सब लोग मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन देखते हैं अभी क्या करते हैं और क्या नहीं। सो गाइज, वहाँ पर मंदिर है, तो आप लोग ऐसे सीधा आओगे तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होगा कच्ची दाबेली करके। तो मैं यार बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो यार ये कच्ची दाबेली। मैं जब भी ट्यूशन ख़त्म होता है तो सबसे पहले इधर आता हूँ दाबेली खाने के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ काका एक दाबेली। तो गाइस, मैंने यहाँ पर खा लिया है, अभी मैं जाने वाला हूँ दूसरी जगह पर। तो आप लोग जब भी पुणे में विजिट करने आओ तो प्लीज़ यहाँ पर कच्ची दाबेली, यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, मंदिर से इस तरफ आना है आपको, क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में है। तो आप लोग आओ और विज़िट करो, बहुत ही अच्छी दाबेली लगती है, एक बार ज़रूर खा कर देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं दूसरी जगह पर, तो देखते हैं और क्या क्या हमको देखने के लिए मिलता है। और वो छोटा बच्चा बोल रहा था ओ भाई भाई यूट्यूबर है सब करके, तो लेकिन अपना चैनल तो बहुत छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा, आप लोग सपोर्ट करते रहना। अभी देखते हैं आगे जाते हैं और क्या क्या मिलता है। और सभी लोग इधर मेरे को घूर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन देखते हैं। चलो मैं साइड में चला जाता हूँ, वरना वो मेरे को उड़ा देगा। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट जगह पर, लेकिन वो आज दुकान बंद है, पता नहीं क्यों। तो आपको दिखाता हूँ, ये नटरा जैसा लिखा हुआ है, तो पता नहीं आज क्यों दुकान बंद है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी खाना हो, पाव भाजी, क्या लिखा है, पाव भाजी पुलाव, ऐसा आप लोग कुछ भी खा सकते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि मेरी स्कूल यहाँ पर ही थी, तो हम लोग जब भी 2-3 दिन में यहाँ पर खाने के लिए आते ही रहते थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं आने वाला हूँ मंदिर के पास,
तो यहाँ पर अभी दूसरी दुकान आपको दिखाता हूँ। रुको मैं बैक कैमरा चालू करता हूँ तो अच्छे से दिखा पाऊँगा, वरना आप लोग मुझे ही देखते रहोगे। तो रुको एक मिनट। सो ये है मंदिर, यहाँ पर जा सकते हो आप लोग अंदर। तो अभी तो कोरोना चल रहा है तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन अभी देखो ये यहाँ पर मंदिर है तो बहुत सारे यहाँ पर दुकान लगी है मिठाई की, मतलब प्रसाद सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग गन्ने का जूस पी सकते हो, बहुत सारा है यहाँ पर। अभी भीड़ नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि अभी बहुत धूप लग रही है। और यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर एक ऐसी गली जाती है, और मैंने जो आपको बोला था ना कि वहाँ पर यहाँ पर एक वो क्या बोलते हैं नॉनवेज, आपको नॉनवेज खाना हो तो ये गली में आप लोग जा सकते हो। यहाँ पर पूरी गली में सब जगह नॉनवेज मिलता है। तो देखो ये बहुत प्यारा है, यहाँ से ऐसा वहाँ पर वो रहा गेट, और सब जगह दुकान दुकान दुकान, जहाँ देखो वहाँ दुकान दुकान दुकान। तो आप लोग बहुत बहुत कुछ यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। देखो एक बार ये मंदिर, तो इसके ऊपर मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें सो गाइज मैंने उन्हीं के ऊपर एक व्लॉग बनाया था लगभग इतने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। उस पर अभी देखो तो उस पर 2K व्यूज़ है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अभी दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या है, और सभी लोग मेरे को यहाँ पर घूर रहे हैं। देखो रुको, ये देखो ये अंकल घूर रहे हैं, फिर वहाँ पर जो पुलिस वाले बैठे हैं ना वहाँ पर, वो भी मुझको घूर घूर कर देख रहे हैं कि ये आखिर करना क्या चाहता है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो अभी जाते हैं इस तरफ, इस गली में जाते हैं। ओके, बहुत ही प्यारा कबूतर है, देखो रुको एक मिनट। उड़ा दिया उसको। आ चुका हूँ मैं यहाँ पर KK बेकरी के पास, जहाँ पर KK बेकरी में आपको कुछ भी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी चाहिए आपको तो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरी स्कूल पास ही थी, तो हम लोग कुछ भी अगर लेना हो तो यहाँ पर ही आते थे। केक वेक सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो आप लोग, ये रही शॉप, यहाँ पर लिखा हुआ है KK बेकरी, आप लोग आकर विजिट कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से। तो अभी फ़ोन की बैटरी भी कम है तो अभी जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मंगलवार को यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार होता है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप लोगों को कुछ भी ख़रीदना हो सब्जी वब्जी तो आप लोग इधर आ सकते हो, तो दिखाता हूँ आपको। रुको मैं बैक कैमरा चालू करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। सो मैं एकदम अंदर आ चुका हूँ, एकदम गली गली में से घूम के। तो आप लोग फर्स्ट टाइम इधर घूम रहे हो तो आप लोग इधर घूम हो सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ऐसा सीधा है और यहाँ पर भी ऐसा सीधा है। देख रुको एक मिनट, ब्लर हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी ऐसा सीधा है और यहाँ पर भी, सब जगह पर दुकान ही दुकान है। तो आप लोग कुछ भी ख़रीदना चाहते हो आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल सकता है। सो गाइस, अभी मैं वहाँ से आया और यहाँ पर एक गली है जो यहाँ पर से, तो यहाँ पर बहुत सारी दुकान है। तो मैं भी जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या मिलता है यहाँ पर से। तो मैं आपको अभी बैक कैमरा चालू करता हूँ और दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी मैं आगे जाने वाला था लेकिन मैंने अभी चेक किया कि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम है और फ़ोन की स्टोरेज भी बहुत कम है, तो इसको मैं अपने अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो अभी जाते हैं दूसरी जगह पर, आपको दूसरा भी कुछ दिखाना है तो मिलते हैं आगे। क्या कुछ नहीं। सो गाइज, वहाँ पर एक अंकल थे जो मेरे को पूछ रहे थे कि ये क्यों तुम शूट क्यों कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं न्यूज़ वालों की तरफ से हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे यहाँ पर ब्लॉगिंग के बारे में सबको कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, तो उनको ऐसा लगा कि मैं न्यूज़ से हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ से नहीं हूँ। तो कुछ नहीं, अभी जाते हैं आगे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, मुझे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना था लेकिन मेरे फ़ोन की स्टोरेज एकदम फुल हो चुकी है, तो मैं अभी और आगे नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा जिसमें मैं सारी दुकान को एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा फूड मिलता है। तो आप लोग कभी भी उन्हें में आओ तो प्लीज़ उन सब शॉप को विज़िट करना। तो अभी इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक का एम रखते हैं 60 लाइक का, बस इतना ही। तो मुझे पता है आप लोग करवा दोगे। तो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं
नेक्स्ट व्लॉग में।